Hello students, this is our science class and we are doing the chapter of bio, chapter number 5. Why do we fall ill? कि हम बीमार क्यों होते हैं. इस chapter में हम topic कर रहे थे types of disease. Disease कितने types की होती हैं. हमने acute और chronic disease के बारे में पढ़ा था कि जो acute disease हैं वो short term disease होती हैं and chronic disease are long term disease. अगला जो टाइप है वो है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल टाइप है. कम्युनिकेबल क्या होता है, वो डिसीज़ जो एक से दूसरे को लग जाती है. मतलब एक पर्सन जो बीमार है और दूसरा जो हेल्दी है, जब बीमार पर्सन जो सिक है जो हेल्दी पर्सन के पास जाता है तो वो उसे डिसीज़ हो जाती है. वो कौन सी होती है, कम्युनिकेबल डिसीज़. उसे देखिए सब उसे इन्फेक्शियस डिसीज ही बोलते हैं कि इन्फेक्शन होना या एक से दूसरे को फैलना. जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो एक से दूसरे को नहीं लगती है. जिस पर्सन को है, जो सिक पर्सन है उसी के ऑर्गन को मतलब नुकसान कर रही है, उसी को नुकसान कर रही है. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे से मिल रहा है तो उसे भी हो जाए. जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम या मेरे पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है तो ये नहीं है कि मैं किसी से मिल रही हूँ तो उस दूसरे के पैंक्रियाज में भी प्रॉब्लम हो जाएगी. ये डिसीज़ एक से दूसरे को नहीं फैलती. लेकिन कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिसीज़ है, ये एक से दूसरे को सेपरेट होती हैं. सेपरेट होने के बहुत सारे मीडियम होते हैं. एयर से हो सकती है, फूड से हो सकती है, वाटर से हो सकती है या कॉन्टेक्ट से हो सकती है. ठीक है, इनके ये मेथड होते हैं कि ये एक से दूसरे को कैसे कोई जैसे कोल्ड एंड कफ है, सिंपल सा एग्जांपल है, जुकाम है. अगर मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ खाना खा रही हूँ जिसको जुकाम है तो वो मुझे भी हो जाएगा, डेफिनेटली मुझे हो जाएगा. या मैं उससे हैंडशेक कर रही हूँ या फिर उसको स्नीजिंग हुई, छींक रहा है वो या खांस रहा है, उससे क्या होते हैं जो पैथोजेंस क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो डिसीज़ को कोज करते हैं. डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. तो जो वो छींकते हैं या खांसते हैं तो वो पैथोजेंस होते हैं. क्या होते हैं, हवा में आ जाते हैं तो उनसे वो, और वही उसी हवा में मैं सांस भी ले रही हूँ उसके पास खड़ी होके, तो वो क्या होगा, बाय एयर मेरे बॉडी में एंट्री हो जाएगी और वो मुझे भी इफेक्ट करेंगे. ठीक है, ऐसे ही फूड से हो सकता है, ऐसे ही उनसे खुद से मिलने से हो सकता है. तो ये जो डिसीज़ हैं, कम्युनिकेबल जो डिसीज़ हैं, ये फैलती हैं. इसके एग्जांपल कोलरा, टीबी या एड्स है या मीज़ल्स है या देखिए मलेरिया है. इनको फैलने का तरीका अलग है. अगर बाय इंसेक्ट की बात करें, बाय इंसेक्ट तो क्या आएगा, मलेरिया आएगा. अगर एक पर्सन जिसको मलेरिया है उसको उस मच्छर ने काटा, मच्छर ने मलेरिया है वो एनोफिलीज से फैलता है ना, फीमेल एनोफिलीज, तो वही जब मच्छर दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो उस हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाएगा. ठीक है, या बाय एयर है तो अलग आता है, बैक्टीरियल है तो कोलरा और टीबी की बात कर सकते हैं. अगर हम पूछे बाय वायरस तो एड्स और मीजल्स हैं. मतलब इनके एग्जांपल बहुत हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग होता है लेकिन पैथोजन ही होते हैं जो इनको सेपरेट करते हैं. बट ये आपको लर्न करना होगा. आपकी बुक्स में टेबल दे रखी है पैथोजन का नाम, डिसीज़ का नाम और वो कैसे फैलती हैं या फिर उनके सिम्टम क्या है, वो आपको लर्न करने होंगे. क्योंकि इसमें यही क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी डिसीज़ किस पैथोजन से फैलती है या मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, या फिर एक स्ट्रक्चर आ जाएगी, डायग्राम आ जाएगा कि इसको पहचानिए ये कौन सा पैथोजन है और इससे कौन सी डिसीज़ होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है. ठीक है, नेक्स्ट टाइप है कंजेनाइटल एंड एक्वायर. जो ये है कंजेनाइटल डिसीज़ है, ये होती हैं बर्थ से होती हैं. ये डिसीज़ होती हैं ये बर्थ से ही होती हैं या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को मिलती हैं, पेरेंट्स से उसके बच्चे को मिलती हैं. जीन के कारण हो सकती है, क्रोमोसोम जीन्स उनके कारण ये हो सकती है. एक्वायर डिजीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, आफ्टर बर्थ होती हैं या जो लाइफ स्पैन है किसी भी पर्सन का उसमें, उस टाइम में किसी भी टाइम में हो सकती हैं. वो क्या होती हैं, एक्वायर्ड होती हैं. ये पैथोजन से हो सकती है या डेफिशिएंसी डिसीज़ हो सकती है. देखिए यहाँ से एक और टाइप पर हमें पता चलता है, डेफिशिएंसी डिसीज़ अलग होती हैं. डेफिशिएंसी डिसीज़ कौन सी होती है, जब किसी भी न्यूट्रिएंट का कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड को, और अगर ये इनकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो इनसे डिसीज़ होती है, उसे क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज़. ठीक है,
तो ये कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज हो गई हैं। कम्युनिकेबल ट्रांसमिट होती हैं, देखिए, और जो ट्रांसमिट होती हैं ये एक से दूसरे पर्सन को, इसके जो इसका एजेंट है, जो इसको ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरे पर्सन को, उसके अकॉर्डिंग इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। बैक्टीरियल डिसीज़ जो बैक्टीरिया से होगी, वायरल जो वायरस से होती है, वायरल आपने सुना होगा डेंगू, इन्फ्लुएंजा, मीज़ल, पोलियो, ये सब वायरल डिसीज़ होती हैं। प्रोटोजोआ, इससे मलेरिया, काला अजहर, स्लीपिंग सिकनेस, हेलमिंथ डिसीज़ होती है। हेलमिंथ डिसीज़ वो क्या होती है, टेटनाइसस, एस्कैरिस, ठीक है, फंगल डिसीज़ होगी, रिंगवॉर्म, एथलीट्स फूट जो दाग वगैरह है, रिकेट्सल डिसीज़ होगी, टाइफस फीवर, ट्रेंच फीवर, फीवर के टाइप हैं अलग अलग, ठीक है। और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि ये एक से दूसरे को पहुंचते कैसे हैं ये बैक्टीरिया वायरल, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप फिर हो जाते हैं कुछ हैं नॉन। और जो नॉन कम्युनिकेबल हैं उसके क्या टाइप्स होंगे, डेफिशिएंसी डिसीज़ होगी जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होगा, डिजनरेटिव डिसीज़ होगी जो किसी बॉडी ऑर्गन को नुकसान पहुंचता है उसकी वजह से बीमारी हो जाती है, कैंसरियस डिसीज़ होगी क्योंकि किसी भी सेल की जब अनकंट्रोल डिवीज़न होती है तो वो ट्यूमर बना लेता है और ट्यूमर है वो बाद में कैंसर में चेंज हो सकता है, ठीक है। एलर्जिक डिसीज़ होगी किसी भी चीज़ के लिए हाइपर सेंसिटिविटी, लाइक किसी को मिट्टी से एलर्जी होती है तो जैसे ही मिट्टी में जाता है उसको छींके आना शुरू हो जाती है, नोज़िया हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, ये डिजीज़ होगी। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कोज ऑफ डिसीज़ क्या हो गया, कोज ऑफ डिसीज़ तो पैथोजेंस हो गए हमने पढ़ लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इम्यून सिस्टम और कोज ऑफ डिसीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं यहाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी को डिसीज़ से बचाता है। WBC होती है इम्यून सिस्टम में, जो सोल्जर्स की तरह काम करती है, और जैसे ही दुश्मन लाइक वायरस, बैक्टीरिया, जो भी एंट्री होती है हमारी बॉडी में, तो WBC सोल्जर्स की तरह उनसे लड़ते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और वो उन्हें अगर मार देते हैं तो हम बीमार क्यों होते हैं, जब वो जो पैथोजन आया है हमारी बॉडी में, जब उसका नंबर ज़्यादा बढ़ जाए और WBC उसे ना मार सके, उसे कंट्रोल ना कर सके, तो हम बीमार होते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारी बॉडी में पैथोजन्स एंट्री लेते हैं तो WBC उन्हें लगभग किल कर देती है। तो इस जो इम्यून सिस्टम है वो बच्चों का और एज पर्सन, जो बुज़ुर्ग पर्सन होते हैं उनका वीक होता है, जो जवान हैं, यूथ है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो कम बीमार पड़ते हैं। थैंक यू।